नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए नया ड्रिंक्स। आप लोगों ने बहुत सारे ड्रिंक्स खाए होंगे, मतलब खाए नहीं, पिए होंगे। आप लोगों ने बहुत सारे ड्रिंक्स पिए होंगे, लेकिन आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए फास्टिंग ड्रिंक्स। आइए दोस्तों, आज बनाते हैं फास्टिंग ड्रिंक्स। अब इसको पीकर आपको ताकत आ जाएगी। आइए दोस्तों, बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए। बहुत सारे फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। इसी दिन सब लोग फास्टिंग करते हैं। जो भगवान शिव जी के पास जो प्रेयर करेंगे, उनका प्रेयर भगवान शिव जी सुन लेते हैं, सब फुलफिल हो जाता है। कुछ लोगों को पता होगा उड़ीसा में बहुत सारे फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन एक फेस्टिवल है, एक पूजा किया जाता है वो कार्तिक के महीना के एंड में। उसे बोला जाता है भगवान शिव जी के पास पूजा किया जाता है, उसे बोला जाता है बड़ा उत्साह इन ओडियन। वो सबसे बड़ा पूजा होता है, इसी दिन किया जाता है। इसके लिए दिन भर फास्टिंग रहते हैं और कुछ नहीं खाते, भगवान शिव जी के पास पूजा करते हैं, इवनिंग को खाते हैं, खाते नहीं पीते हैं, इवनिंग को ड्रिंक्स पीते हैं। आइए बनाते हैं वही ड्रिंक्स, ताकत भरा ड्रिंक्स। आइए दोस्तों बनाते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए। एक उनके विश फुलफिल हो जाता है, इसलिए पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, बड़े उत्साह स्पेशल ड्रिंक्स बनाते हैं, बड़ा वाला पूजा के लिए ड्रिंक्स बनाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे बड़ा पूजा के लिए आज ड्रिंक्स बनाते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बेल निकाल लिए हैं। ये रहा हमारा बेल, इसमें से हम निकाल लिए हैं स्पून की मदद से। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मसल लेंगे, इसको अच्छे से मसलेंगे, उसका रस निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने मसल लिए, थोड़ा और पानी देंगे, इसको और मसलेंगे। इसमें से इसका सीड से बेल का सीड और इसका जो थ्रेड होता है, इसको अच्छे से चुन चुन कर निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सबको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ केले लिए हैं, कुछ एप्पल लिए हैं, कुछ ऑरेंज लिए हैं, कुछ ग्रेटेड कोकोनट लिए हैं, कुछ कॉटेज चीज़ लिए हैं। आप अपने हिसाब से अपना मनपसंद का फ्रूट लीजिए। एक बाउल लेते हैं, हमने जो बेल का रस निकाले थे पहले, इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कप मिल्क लिए हैं, हमने यहाँ पर कुछ एप्पल लिए हैं, कुछ बनाना लिए हैं, कुछ ग्रेटेड कोकोनट लिए हैं, कुछ कॉटेज चीज लिए हैं, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। देखिए, हमने यहाँ पर भिगा हुआ साबूदाना 2 कप लिए हैं, इसमें अपने मनपसंद का फ्रूट डाल रहे हैं। केला हमने यहाँ पर लिए हैं, कुछ एप्पल लिए हैं, कुछ ऑरेंज ले रहे हैं, कुछ ग्रेटेड कोकोनट और कुछ कॉटेज चीज लिए हैं। आप लोग अपने हिसाब से फ्रूट्स लीजिए अपने मनपसंद के। हमने यहाँ पर 2 कप मिल्क ले रहे हैं, आप चाहे तो इसमें कॉर्ड भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ले रहे हैं, शुगर अपने हिसाब से डालिए, आप कितना शुगर चाहते हैं। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिए हैं, काली मिर्ची हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, अब डाल दिए हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसी तरह अपने मनपसंद का फ्रूट्स डालिए और खाइए, बहुत टेस्टी है और हेल्दी खाना भी है। देखिए दोस्तों, हमने दोनों बना लिए,
फास्टिंग फूड और फास्टिंग ड्रिंक्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। हमने आप इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल्क या कर्ड भी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी पानी करना चाहते तो कर सकते हैं, वो हो जाएगा ड्रिंक्स, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा गाढ़ बना है, इसलिए ये आप स्पून से खाइए, बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी। पर लिए हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिए हैं। आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शुगर नहीं डाले हैं। आप चाहे तो इसमें कॉर्ड भी डाल सकते हैं, इसमें कॉर्ड का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। मैं अब मेरी और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब इसमें मनपसंद का डेकोरेशन के लिए डालिए, जो चेरी डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं अपने हिसाब से जो डालना चाहते हैं वो डालिए। हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बन गया बेल का शरबत। आप इसी तरह बेल का शरबत खाइए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। बेल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, अपना कॉन्स्टिपेशन दूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हम घंटी जरूर दबाइए, ठीक है दोस्तों।